Do you feel the pulse? हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीत बनी बॉय और आज मैं एक ब्लॉग शूट करने वाला जो कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है अबाउट लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग। सो आज का प्रोग्राम एक्चुअली ऐसा है कि एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो कि डीजे नील, बहुत ही टॉप का डीजे प्ले करता है और आज हम उसका डीजे सुनने जाएंगे एक कॉलेज में। आई थिंक वो गर्ल्स कॉलेज है, पता आई डोंट नो अबाउट द गर्ल्स कॉलेज और बॉयज़ कॉलेज, बट अगर वो गर्ल्स कॉलेज हो तो बहुत मज़ा आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा और आप प्लीज़ मेरे संग रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ नीचे देखिएगा, वहां पर सब्सक्राइब का बटन होगा, वहां पर जाइए, सब्सक्राइब पे क्लिक करिए और बेल आइकन को प्लीज क्लिक करिए, प्लीज 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 ऐसे करके क्लिक कीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा, और इवन अब तो मैं बैक टू बैक वीडियोस डालता ही रहूंगा, तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आप सभी को वो वीडियो मेरी दिखेगी, इवन नोटिफिकेशन आएगी आप सभी को मेरी वीडियो सबको अच्छे से दिखेगी। सो आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माई ब्लॉगिंग, सो मिलते हैं जल्दी से जल्दी, नाउ आई एम गोइंग टू बी रेडी। तो हम कॉलेज पहुंच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं नील के पास। हम थोड़ा सा लेट हो गए यार, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा पंचुअल हूँ अपने टाइम को लेकर, लेकिन आज पता नहीं कैसे मैं इतना लेट हो गया। तो ठीक है, फिर हम उससे मिल रहे हैं। और एंट्रेंस कहाँ से भाई? भाई यहाँ से लेफ्ट होंगे, आगे से। ठीक है, सो आप सीधा स्टेज पर मिलेंगे। I can't tell where the journey will end, but I know where to start. अब हम कॉलेज पहुंच गए हैं और सीधा मैं आ गया हूं नील के पास और नील अब प्लेइंग करेगा हमारे लिए। नील आज क्या करने वाला भाई? भाई आज मैं आया हूं महाराजा अग्रसेन कॉलेज डांडिया कार्निवल के लिए और मेरे साथ है मेरा भाई एनजे। अभी हम अलग अलग नाम से प्ले करते हैं लेकिन आने वाले टाइम में हम होंगे इमैच्योर्स। यस वी आर इमैच्योर्स ब्रो, लेकिन इमैच्योर्स ऐसा 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 दबागा करेंगे ना भाई आने वाले टाइम में। और भी भाई की वी लव देखना, उसमें जब हम एंड तक थे ना तब बताना कि हम इमैच्योर है कि हम क्या है। नील को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। यस यस, there was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I have my first heartbreak. Now our next jo program hai wo hai night out pe DJ playing karne ke liye ek club mein jaane ka. Wahan par DJ playing hogi aur wahan par bahut zyada maza aayega kyunki wahan se main aapko Delhi ka Dubai dikhane wala hu aur jo ki humne Dubai hai background se bilkul Dubai hai aur hum milte hain wahan. Kisi ko batana mat please batana. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग प्लेस में फॉर प्लेइंग डीजे, और यहाँ पर आप पीछे मेरे देख सकते हो मेरा बेस्ट फ्रेंड है डीजे जॉय बेसर जो कि यहाँ प्ले करने वाला है। आज एक्चुअली क्या है, डीजे नाइट है, ठीक है, आज डे भी डीजे था और नाइट भी डीजे, तो योर सर्विस। चलो चलते हैं और तूफान मचा रहे हैं। ऑलराइट, सो मैं अब दोबारा आपके सामने आ गया हूँ और मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ तो करने वाला हूँ। अजय बाहर गया है कुछ काम से, तो मैं बताना चाहूँगा कि हाँ मैं भी एक डीजे हूँ, थोड़ा बहुत मैं प्ले कर लेता हूँ। तो फिर अब मैं थोड़ा सा डीजे प्लेइंग करूँगा और मैं प्लेइंग करते वीडियो बना नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर अजय भी नहीं है, वरना वो बना लेता और मैं प्ले कर रहा था। तो अभी के लिए नॉर्मल थोड़ा धीरे धीरे मैं प्ले कर रहा हूँ। तो और प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, अपनी आईडीज़ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, तो आप मेरे को वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो अजय आने वाला है, 3, 2, 1 ही इज बैक ऑफ मी। सो थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि ये डीजे प्ले कर रहा होगा और इसकी प्ले माशाल्लाह सुभान अल्लाह और मेरा अल्लाह तुम्हारा अल्लाह सबका अल्लाह। प्ले सम कमर्शियल सॉन्ग्स कुछ अच्छे अच्छे म्यूजिक इसके कमर्शियल, तो अब मेरे से भी वेट नहीं करा जा रहा। तो आज मैं चाहता हूँ ये धूम मचा दे और मुझे नचा दे, बिकॉज आई लव टू डांस। देखते हैं
देखते हैं और सिर्फ देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा और मेरे को प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, और नीचे लाइक प्लीज़ यार, थंब का बटन दिख रहा होगा, लाइक प्लीज़ लाइक नहीं करोगे तो फिर यार नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं बढ़ पाएगा। तो आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हाँ कमेंट करो। कमेंट से सबसे अच्छा मेरे को यह याद आया कि आप मेरी वीडियो को देखने के बाद अपने कुछ भी व्यूज़ देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर आप DM कीजिए और मैं वहाँ पर आपके कमेंट्स को रिप्लाई करूँगा। और बस Tuesday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a JJ, all the way to you, knocked on your door with heart in my head, to ask you a question, cause I know that you're an old-fashioned man, yeah, yeah, have your daughter for the rest of my life, say yes, cause I need to know, you say I'll never get your blessing till the day I die, tough love my friend, but the answer is no, no, why you gotta be so rude? अब क्या है कि जॉय बेसर इज ऑन द पे, उसे मिलते हैं और गाने सुनते हैं और लेट्स एंजॉय दिस पार्टी बेबी, दिस इज जॉय माय फ्रेंड जॉय, लेट्स पार्टी यो सबी बॉय। वैसे इस सॉन्ग के पीछे ना बोले काफ़ी सारी स्टोरी से काफ़ी सारे टिकटॉक यूजर्स के की चैलेंज करते पता नहीं कहाँ से गिर गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, मैंने भी एक की चैलेंज करा है, तो आप मेरे को टिकटॉक में फॉलो कर सकते हैं, मेरी वीडियोस देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी है टिकटॉक में तो आप उसको स्टॉप ऑन बनी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि हाँ मेरा जो टिकटॉक में यूज़र नेम है वो है स्टबॉन बनी STUBBORNBUNNY, तो आप जाकर मेरे को वहाँ पर मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं मेरी वीडियोस। और ये सॉन्ग ने मेरे को मेरी की चैलेंज की याद दिला दी है, थैंक यू बडी। हेलो दोस्तों, मैं जॉय बेसर। फिलहाल मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, जो बंदा सुबह से बोल रहा था ना कि मैं ब्लॉगिंग करूँगा, वो फिलहाल मैं अभी आपको दिखाता हूँ उसका हाल क्या है। सुबह से ब्लॉगिंग करने वाला बंदा पूरे दिन ब्लॉगिंग जो करने के लिए बोल रहा था, फिलहाल मैं तो वीडियो कर रहा हूँ, और फिलहाल वो बंदे की हालत देखो मैं दिखाता हूँ आपको। सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गई है सारी मंजिलें। भाई ऐसा नहीं है कि मेरे को नींद आ गई इसकी डीजिंग से, बट यार मेरे को इंग्लिश सॉन्ग सुनने का ज़्यादा शौक नहीं है और मैं सुनता भी बहुत कम हूँ, तो इसलिए मेरे को नींद आने लग गई और सुबह से शाम हो गई, थक गया यार मैं करके, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, निन्नी भी आ रही है और मज़ा भी आ रहा है, तो दोनों को इन्जॉय करते हैं। इस टाइम आप इसका डीजे सुनिए। सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां। सो नाउ टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो अब हमें लगता है कि अब हमें घर जाना चाहिए, बट घर जाने का बिल्कुल ही मन नहीं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं नाइट में थोड़ी सी केड़ी मारने। तो अजय कहाँ जाने का प्लान है? इंडिया गेट। चलो इंडिया गेट जाते हैं, वहाँ पर कुछ करके आते हैं, कुछ ऐसा नहीं करके आएंगे, जाएंगे और घूम के वापस घर जाएंगे। बाय बाय मास्टर मॉल्स। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर इस टाइम इंडिया गेट की रोड पर हैं, और
हम यहाँ आ तो गए लेकिन हम ये भूल गए कि यार 9 या 9:30 बजे के आसपास इंडिया गेट बंद हो जाता है. बंद ही हो जाता है. तो कोई बात नहीं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया. बहुत मज़ा आया मेरे को व्लॉग शूट करने में. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और जॉय को आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी देख सकते हैं. ये बहुत अच्छा डीजे प्ले करता है और मैं चाहता हूँ कि आप इसकी लाइव डीजिंग सुने. नॉट लाइक इन क्लब मीन्स वैसे कभी किसी फेस्ट वगैरह में मैं आपको जरूर सुनाऊंगा इसकी डीजिंग. और बहुत अच्छा डीजे प्ले करता है. आप इसको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं इसको. और मैं इसकी आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा. तो प्लीज़ जाओ इसको फॉलो करो, इसकी वीडियोज़ देखो. और फेसबुक पे इसका पेज है रॉकस्टार डीजे के नाम से. तो आप जाओ वो रॉकस्टार डीजे वाला पेज ओपन करो, लाइक करो, उसको शेयर करो और उस पर वीडियोज़ देखो. तुमने वीडियोज़ डाल रखी ना भाई? बिल्कुल, बहुत सारे. हाँ, तो उसमें वीडियोज़ देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा. बहुत मज़ा आने वाला है सब चीज़ों को देखकर. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करके. और मेरी वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए टाइम निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और बस अब तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट व्लॉग की. हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ याद दिलाई भाई. देखो मेरा मैं बता चुका हूँ मेरा फर्स्ट व्लॉग था, तो मेरे को ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैंने गलतियाँ बहुत सारी करी हैं. तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर्स तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन गलतियाँ नहीं बताता. वो आप बताएंगे. हाँ, गलतियाँ कोई नहीं बताता. तो प्लीज़ मेरे को गलतियाँ मेरी बताना ताकि मैं उसको ठीक करूँ और नेक्स्ट टाइम की वीडियो में कोई गलती ना दिखे, बस व्लॉग और वीडियो दिखे. बाय बाय. Oh, I want something just like